देश में मौजूदा मुसीबत से निपटने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के भत्तों में कटौती का फैसला क्या लिया। कई राज्य सरकारें केंद्र की राह पर चलती नजर आई। इस कड़ी में उत्तराखंड सरकार भी कर्मचारियों के वेतन भत्ते में कटौती का ऐलान करने की तैयारी में है, जिसे लेकर अब त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही है। तो क्या है पूरा मामला जिसने बढ़ाई सीएम त्रिवेंद्र की मुश्किल, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के लिए वेतन भत्तों के कटौती के मुद्दे पर मुसीबत बढ़ने वाली है। यहां सचिवालय संघ ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हां, सचिवालय संघ ने वेतन भत्तों के कटौती की स्थिति में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे दी है और सचिवालय बंद करने जैसा कदम उठाने की धमकी दी है। इस संबंध में सरकार और मुख्य सचिव को चिट्ठी भी दी जा रही है। हाल ही में सचिवालय संघ के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें ये तय किया गया कि वेतन भत्तों में कटौती न करने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह के साथ साथ सचिव वित्त अमित नेगी को ज्ञापन दिया जाएगा, जिस पर अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो वो सरकार के खिलाफ बड़े स्तर पर मोर्चा खोलेंगे। सचिवालय संघ के महासचिव राकेश जोशी ने बताया कि इसे लेकर उत्तर प्रदेश के कर्मचारी संगठनों के साथ भी चर्चा हो रही है। दोनों राज्यों के वित्त सचिवों के साथ भी बातचीत का सिलसिला जारी है। वहीं आपको बता दें 29 मई यानी कल उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव आने की उम्मीद है, जिसमें वेतन भत्तों में कटौती का भी प्रस्ताव शामिल हो सकता है। इसी आशंका को देखते हुए सचिवालय संघ सरकार पर दबाव बना रहा है। दरअसल स्वास्थ्य मुसीबत के दौरान आई आर्थिक परेशानी से निपटने के लिए सभी राज्यों की सरकारें अपने स्तर से प्रयत्न कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी सरकारी कर्मचारियों के डीए पर कैंची चलाई जा चुकी है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार भी वेतन भत्तों में कुछ कटौती कर सकती है। राज्य में पहले ही विधायकों के वेतन भत्तों में 30% की कटौती को लेकर विपक्ष और सरकार आमने सामने है और अब सचिवालय संघ भी आंदोलन करने के लिए तैयार बैठा है। ऐसे में अब सभी की नजरें टिकी हैं कल त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक पर। अब इस बैठक में किन प्रस्तावों पर लगती है मुहर, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।